Vivek Tanka. Thank you, sir. I'll make it short because my party doesn't have too much time left. So first of all, I would like to bring to the attention of the Honourable Minister that there was a Supreme Court judgment recently which said that all cases of politicians, MPs and MLAs would go to a special court. Now what they have done is, in states, if there are 100 cases before a court of magistrate and say 50 cases before the court of additional sessions judge or sessions judge, उन्होंने जो मैजिस्ट्रेट के यहाँ जो केसेस थे वो भी सेशन जज को भेज दिए. दैट मीन्स एमपीज एंड एमएलएज के केसेस जो सपोज थ्री टीयर में होते, पहले मैजिस्ट्रेट उस पर ट्रायल करता, फिर एपोलेट कोर्ट उसको डिसाइड करता, देन दे कुड हैव गॉन टू हाई कोर्ट. बिकॉज ऑफ एम्बिग्विटी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एम्बिग्विटी होने से कई स्टेट्स ने एक अपील का स्टेज खत्म कर दिया. और ऑल मैजिस्ट्रियल केसेस हैव बीन सेंट टू डिस्ट्रिक्ट टू कोर्ट सेशंस आल्सो. तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन भी लेना चाहिए कि जो एमपीज एंड एमएलएस के केसेस हैं क्या वो सीपीसी के प्रोसीजर से हटके उनका ट्रायल होगा कि इन टर्म्स ऑफ सीपीसी प्रोसीजर होगा और उनकी राइट का जो अधिकार है वो अपील का जो अधिकार है वो खत्म कर दिया जाएगा. नंबर टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स देता हूं. पेंडिंग केसेस जो ट्रायल में है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अप्रोक्सीमेटली आर 6400 पूरे देश में. एवरेज टाइम फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इज 3 to 5 years इन पीसी एक्ट. 6400 केसेस में 16875 आर पब्लिक सर्वेंट्स, 18,780 आर प्राइवेट पर्सन्स और 115 आर एमपीज एमएलएस. द प्रॉब्लम दैट आई सी कि जो इन्वेस्टिगेशन के केसेस हैं हाउ दे विल बी डेल्ट विथ, क्योंकि अगर आप सेक्शन 1 देखेंगे, सेक्शन 1 सेज दैट दिस एक्ट विल इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट. तो अब इन्होंने सपोज एक्ट बन जाता है, नोटिफाई हो जाता है, तो एक डेट आ जाएगी. जो एफआईआर के स्टेज पे केसेस है जिनमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उनको कैसे आप डील करेंगे, इसमें सेविंग्स एंड रिपीट क्लॉज का कोई प्रोविजन नहीं है इस बिल में. यू विल गो टू जनरल क्लॉजेज एक्ट. जब आप जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाएंगे वहां पर ऑल पेंडिंग केसेस हैव टू बी डेल्ट बाय ओल्ड लॉ. तो सेक्शन 13 सपोज जो सबसे बड़ा आपका यहां पर चेंज है, क्या प्रेजेंट सेक्शन 13 विल बी अप्लाइड टू दोस केसेस जहां इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और चार्जशीट नहीं हुआ है, कॉग्निजेंस नहीं हुआ है, जिसमें सैंक्शन नहीं हुआ है, और सेक्शन 13 उनका ओल्ड सेक्शन 13 से इन्वेस्टिगेशन होगा एंड प्रेजेंट सेक्शन 13 से उनको नहीं डील किया जाएगा. इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच विल इफेक्ट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसमें लिटिगेशन भी होगा. आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को 3 भागों में बांट दिया है, आपने पुराने प्रोविजंस को डिलीट किया, सब्स्टिट्यूट किया है. पहला है अबाउट जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन जैसे पहले होता था सेक्शन 7 और 8, आपने सेक्शन 7 और 8 को इन डिफरेंट वर्ड्स रिप्रोड्यूस किया है. इसी तरह आपने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्बिट में लिया है इन अनदर कैटेगरी. और थर्ड, आपने सेक्शन 13 को आपने अमेंड किया है वास्टली. जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है इसमें कि आपने जो पब्लिक फंक्शन और एक्टिविटी इज अ पब्लिक फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, अ फंक्शन और एन एक्टिविटी इज अ पब्लिक फंक्शन और एक्टिविटी इफ द फंक्शन इज एक्टिविटी ऑफ अ पब्लिक नेचर. जो प्रॉब्लम 13(1)(b) में थी वो आपने री इंट्रोड्यूस कर दी है इन सेक्शन 8. पब्लिक नेचर क्या है? एनी एक्टिविटी कैन बी ऑफ पब्लिक नेचर. उसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगेन यू आर लीविंग इट टू अ पुलिस ऑफिसर कि किस व्यक्ति के अगेंस्ट पब्लिक एक्टिविटी में वो कॉग्निजेंस ले, सॉरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे या ना करे, एफआईआर रजिस्टर करे या ना करे. सो इट्स जो आपने 13(d) को ब्रिज करने की कोशिश की कि 13(d) का जो मिसयूज होता था अकॉर्डिंग टू द जो प्रॉब्लम्स थी, वो मिसयूज जो आप बंद करने की जो कोशिश कर रहे थे वो आपने रीइंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर बाय दिस सेक्शन.
इसी तरह जो कई चीज़ें हैं इसमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपने जो एक्सप्लेनेशन है 13 का, उसमें नॉन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी ना, नॉन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती थी जो आप डिक्लेयर करते थे पहले से, यू कांट इम्प्रूव अपॉन अ डिक्लेरेशन, मतलब आपने पहले एक एफिडेविट दिया, जैसे पार्लियामेंट में हमने एफिडेविट दिया कि हमारी ये सब नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है। इसके बाद जब अगर हमने कोई चीज़ दूसरी, हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स पाए जाते हैं, तो आई कांट इम्प्रूव अपॉन इट। अब आपने वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप रीइंट्रोड्यूस कर दिया बाय सेइंग कि वो पुराना एक्सप्लेनेशन हटा के एक नया एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, जब पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, अब उनको नॉन सोर्स ऑफ इनकम वो डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय जस्ट सेइंग कि मुझे कल किसी ने पैसा दिया था, दे नीड नॉट हैव डिक्लेयर्ड इट अर्लियर, वो अब कर सकते हैं इवन आफ्टर द इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस। तो इसमें बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं जो विच हैव टू बी डेल्ट विद। सेक्शन 13 में बहुत सी एम्बिग्विटीज हैं, सेक्शन 7 में है, सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 8 में है। फॉर इंस्टेंस इट सेज टू इंड्यूस, अब 8 इज अ वेरी डेंजरस प्रोविजन। आपने फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्राइवेट पर्सन को इंट्रोड्यूस कर दिया इन दिस एक्ट डायरेक्टली, कि एक प्राइवेट पर्सन जो एक दूसरे प्राइवेट पर्सन के माध्यम से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, उन सब के अगेंस्ट भी आप पीसी एक्ट ले आए हैं। अब प्रॉब्लम इसमें यह है द थर्ड पर्सन पार्टी जो प्रोसिक्यूशन आपने लाए हैं, और वो भी ऑन अ टू इंड्यूस अ पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म इम्प्रॉपरली अ पब्लिक फंक्शन और एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज इम्प्रॉपरली, किस चीज़ को आप इम्प्रॉपर, सपोज यूएस में जाइए, यूएस में एडवोकेसी अमंग सेनेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एमपीज के साथ इज अ नॉर्मल थिंग, वुड दैट बी इंड्यूसमेंट। सपोज वो लोग अपनी बात और एडवोकेट करते हैं, वो अपनी बात बताते हैं एक सेक्रेटरी को, एक कमिश्नर को, एक कलेक्टर को, एक चीफ सेक्रेटरी को, विल ऑल दैट बी इंड्यूसमेंट? नाउ व्हाट इज दैट इंड्यूसमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट? सो ऐसे बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं, एंड ये जो आपने कई चीज़ें में इसमें लॉ कमीशन हैज ऑल्सो अपोज्ड। लॉ कमीशन जो है उसने आपके सेक्शन 13D का जो आपने परिभाषा की दिया है उसको अपोज भी किया है और कहा कि ये परिभाषा ठीक नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऑफकोर्स वी आर सपोर्टिंग द बिल, बट आग्रह ये है कि इसमें जो बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं जिससे वेगनेस है, जिसमें मे बी लोगों को परेशान होने का चांस ज़्यादा है, उनको मिनिस्टर साहब जरूर एड्रेस करें, गवर्नमेंट जरूर एड्रेस करें, अदरवाइज इट विल लीड टू मोर लिटिगेशन। थैंक यू। थैंक यू। द नेक्स्ट स्पीकर इज